हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू यात्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक का बैकग्राउंड नीला क्यों होता है? ईयर 1942 में ताजमहल को पूरा कवर क्यों किया गया और एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ एक पैसेंजर के लिए खुला रहा? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर गवर्नमेंट ऐसे रेलवे स्टेशन को बंद करना पसंद करती है जहां सिर्फ कुछ ही यात्री आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में सिर्फ एक यात्री के लिए पूरे स्टेशन को खुला रखा गया। इन पैसेंजर का नाम था काना हरादा, जो कि जापान शिताकी में रहती थी। इस पूरे इलाके में सिर्फ 36 लोग ही रहते थे, जिस कारण यहाँ स्टेशन रन करना एक प्रॉफिटेबल टास्क नहीं था। इस रेल सर्विस का डेली यूज यहाँ सिर्फ काना हरादा ही करती थी, क्योंकि इससे उन्हें पास के हाई स्कूल जाने में आसानी होती थी, जहाँ पहुँचने में उन्हें लगभग 35 मिनट लग जाते थे। इसलिए जैपनीज रेल कॉरपोरेशन ने फैसला लिया कि जब तक काना हरादा अपना हाई स्कूल कम्प्लीट नहीं कर लेती, तब तक ये स्टेशन खुला रहेगा। आमतौर पर गवर्नमेंट्स ऐसे रेलवे स्टेशन को बंद करना पसंद करती हैं जहां सिर्फ कुछ ही यात्री आते हों। ऐसा करकर जापानीज गवर्नमेंट ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ताजमहल कुछ ऐसा दिखता था? दरअसल 1942 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और उन्हें डर था कि उनके एनिमीज यानी जर्मन्स ताजमहल पर अपने बॉम्बर्स से हमला न कर दें। जर्मन्स को चकमा देने के लिए उन्होंने ताजमहल को पूरी तरीके से बांस की लकड़ियों से ढक दिया, ताकि जर्मन्स बॉम्बर्स को लगे कि यहाँ सिर्फ लकड़ियों का ढेर है और वहाँ से बॉम्बर्स चुपचाप निकल जाएं। फैक्ट नंबर 7, अमेज़न, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जो हर रोज अपने करोड़ों कस्टमर के साथ डील करता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां अमेज़न ने अपना प्रोडक्ट ना भेजा हो। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि उसके लोगो पर स्माइली एरो है? ये स्माइली एरो A&Z को टच करता है, जिसका मतलब है अमेज़न A to Z सभी प्रोडक्ट्स में डील करता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो अमेज़न में ना बिकता हो। फैक्ट नंबर 6, लंबे घने और मजबूत बालों का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन इन्हें मेंटेन रखना उतना ही मुश्किल। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट हेयर ऑन टीनेजर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल गुजरात की नीलांशी पटेल के नाम है। उस वक्त नीलांशी 16 साल की थी और इनके बालों की लंबाई 170.5 सेंटीमीटर थी। लेकिन अपने 18th बर्थडे से एक दिन पहले इन्होंने अपने बाल कटवा दिए और लास्ट टाइम इनकी हेयर लेंथ 200 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। और अब नीलांशी ने डिसाइड किया है कि वो अब इन बालों को म्यूजियम में भेज देगी, ताकि लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सके। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है बिहार के एक शख्स रघुवेंद्र कुमार अभी तक 49,000 हेलमेट खरीद चुके हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब है, क्योंकि उनके फ्रेंड की डेथ का कारण भी एक रोड एक्सीडेंट ही था। फैक्ट नंबर 4, आज हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे लगता है कि फॉरेस्ट कुछ समय बाद रहेंगे ही नहीं। लेकिन ब्राजील के एक कपल ने 20 सालों में 2 मिलियन पेड़ लगाकर एक सूखे एरिया को डेंस फॉरेस्ट में बदल दिया है, जिससे वहां अब कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। फैक्ट नंबर 3, चाइना, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है, लेकिन आज चाइना ने ऐसा दावा किया है जो गूगल तक को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल चाइना का मानना है कि उसके द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर्स सिर्फ 17 मिनट्स में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे गूगल कंप्यूटर सॉल्व करने में 8 साल तक लगा सकता है। फैक्ट नंबर 2, फ्लावर वैली, सिलिकॉन वैली का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने किडनी वैली का नाम सुना है? दरअसल नेपाल में एक ऐसा गांव है जिसे किडनी वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर लोग सिर्फ अपना घर बनाने के लिए अपनी किडनी बेच सकते हैं। दरअसल इस गांव के लोकल्स का कहना है कि यहां पर कुछ ब्रोकर्स आते हैं जो कि चंद रुपयों का लालच देकर उन्हें उनकी किडनी बेचने के लिए राजी कर लेते हैं, और उनको
बेवकूफ बनाने के लिए ये बताया जाता है कि इंसान की किडनी दोबारा विकसित हो सकती है और इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इस विलेज में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर लोगों ने अपनी किडनीज इन ब्रोकर को ना बेची हो। फैक्ट नंबर 1, फेसबुक जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ईयर 2021 में इसके 2.85 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई मोबाइल होगा जिसमें फेसबुक इंस्टॉल ना हो। लेकिन क्या आपको पता है इसका लोगो ब्लू एंड व्हाइट कलर का क्यों होता है? दरअसल द न्यूयॉर्कर मैगजीन के अनुसार फेसबुक कंपनी के ओनर एंड फाउंडर मार्क जकरबर्ग रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड हैं, जिससे उन्हें ये सब कलर्स पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन ब्लू कलर को वो आसानी से पहचान सकते हैं और ब्लू कलर काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, और यही कारण है कि फेसबुक का बैकग्राउंड ब्लू है। होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।